प्यारे बच्चों, नए सत्र 2022 में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अजय यादव और हम पूरी सीरीज देखेंगे इस बार क्लास 12 का केमिस्ट्री, बायो एंड पॉसिबल होगा, समय बचेगा तो फिजिक्स को भी। तो पूरा साइंस देखने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। शुरुआत करने वाले हैं हम लोग केमिस्ट्री से। ये लगातार अभी शुरुआत में लेक्चर्स लगातार आएंगे, फिर इसके बाद जैसे जैसे हमारा सिलेबस होता जाएगा वैसे वैसे लेक्चर्स की ड्यूरेशन, डेज थोड़ा सा आगे पीछे करके क्लास 9th को, क्लास 11th को, क्लास 12th के लेक्चर आने के प्लान है। तो प्यारे मित्रों, आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सबसे पहले टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है? एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी दो चीज को मिलाया, एक तीसरी चीज बन गई। किसी से आपने मिला, कोई आपसे मिला, आपने अपनी आंखों से उनको देखा, उन्होंने अपनी आंखों से आपको देखा, मैत्री भाव उत्पन्न हुए, रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, एक केमिकल रिएक्शन बेटा एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टी कुछ नई होती है वो बनते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। एक क्या है भैया? ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसके भीतर, जिसमें न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है इन विच, जिसमें न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक बार मेरे साथ दोहराइए, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक होने वाली प्रक्रिया लगातार, हर जगह केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। आपने दूध को रखा, उसमें हल्का सा दही, जामन बोलते जिसको, डाला, केमिकल रिएक्शन हुआ, दही बन गया। एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। अब जो दूध की प्रॉपर्टी है उससे थोड़ा सा अलग है दही की प्रॉपर्टी, है कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें कुछ नई चीजें बनती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है, ठीक है। चलिए, तो इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, सवाल ये उठता है क्या रिएक्शन में एटम्स बदलते हैं? नहीं। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन टू अंदर, किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं भैया वो दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलते, दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलते या दूसरे एटम में नहीं बदलते, ऐसा समझिए, समझ रहे हैं? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन टू अनदर, मतलब एटम्स नहीं बदलते। तो होता क्या है फिर? ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, केवल एटम का रीअरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, फिर से अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर, ठीक है। ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में
एक तरह के एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एटम्स में नहीं कन्वर्ट होते, केवल एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एनदर, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। केवल क्या होता है बाबू, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। समझ में आया इतनी चीजें, एक बार फिर से देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ नई होती है। जैसे दूध वाला एग्जांपल मैंने बताया, दूध में थोड़ा सा दही मिला आपने, हल्का सा जमाने के लिए पूरा दही बन गया, तो न्यू सब्सटेंसेज बना, दूध से एकदम अलग प्रॉपर्टी है दही की, ठीक है। इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड, नया सब्सटेंस बनता है बाबू जिसकी प्रॉपर्टी एकदम नई होती है वो बनता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स नहीं बदलते, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट बदलता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, एक मैग्नीशियम का आपने रिबन लिया, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। तो हार्ड होगा, सिंपल सी बात है, मेटल सब हार्ड होते हैं आप जानते हो। तो जैसे एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, और इसको हम लोग बर्न करते हैं, तो जब भी कंबस्शन इसका कराएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, तो क्या बनता है यहाँ पे, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ दो ले लिया, यहाँ पे डेल्टा लगाया, डेल्टा मतलब हीट करना। तो एक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, आप इसमें देख रहे हैं ये क्या चीज़ है भैया, ये है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम, और ये है ऑक्सीजन, और यहाँ बनने वाली क्या चीज़ है बाबू, क्या बन रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो शुरुआत वाले दोनों हैं बेटा तीर के इस तरफ, इनको क्या बोलते हैं आप, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं भैया, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बना है बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रोडक्ट, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या होते भैया, दोज सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस भैया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। ऐसे सभी सब्सटेंस भैया जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। दोज सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज रिएक्टेंट। व्हाट आर द रिएक्टेंट, दो सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंसेज भैया जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। दो सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज रिएक्टेंट। दोज सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज रिएक्टेंट। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या होता भैया बताओ, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो चीज बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई चीज जो बनती है बेटा केमिकल रिएक्शन की वजह से उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो व्हाट आर द रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो सब्सटेंस बनता भैया केमिकल रिएक्शन की वजह से उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम भैया एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। क्या होता है मैग्नीशियम, एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है भैया। जब इसको हीट करते हैं एयर में तो ये बर्न करता है, ये जलता है। व्हेन मैग्नीशियम इज ए सिल्वरी व्हाइट मेटल व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको भैया हीट करते हैं इन एयर, इट बर्न्स विथ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, एकदम सफ़ेद चमकदार फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ जलता है। ज्वाला समझ रहे हैं, जब आप गैस को बर्न करते हैं तो नीचे से जो आग की पूरी लपटें उठती हैं थोड़ी सी गैस के अंदर बर्नर में से, वो है फ्लेम। तो जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग कलर का फ्लेम निकलता है। ठीक है, वाइट डेजलिंग कलर क्या निकलता है, फ्लेम निकलता है। और ये क्या बर्न होने के बाद बनता क्या है, एक वाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है, एक वाइट पाउडर बनता है, वाइट पाउडर बनता है जो किस क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है भैया ये हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन है, सिल्वरी वाइट मेटल है। ठीक है, ये सिल्वरी वाइट मेटल है, इनकी क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो हार्ड होते हैं। तो ये सिल्वरी वाइट मेटल है और जब इसको हम बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ भैया जलता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एमआरएफएस पाउडर बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर बनता है। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज, ये पाउडर है जबकि ये सॉलिड है, इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना ये न्यू सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टी अलग ही है, इनसे अलग है इसकी प्रॉपर्टी। ये तो एक एकदम मेटल है, मजबूत वाला मेटल है एज कम्पेयर टू, ठीक है इससे। और ये क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर है। तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंसेज, नई चीज़ें बनती हैं, न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है वो बनती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। एग्री हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जब हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करना होता है तो जब मैग्नीशियम को बर्न करना होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बाद में कन्वर्ट होता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक मिनट के लिए। जब भैया हमें मैग्नीशियम को बर्न करना होता है, जैसे ये मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इसके ऊपर, एक प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्ट करती है भैया ऑक्सीडेशन से, प्रोटेक्टिव लेयर। बर्न करना भी एक तरह सा कंबशन करना भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है पतली सी, जिसको जो किस चीज़ की लेयर होती है, ये होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बेटा इसके चारों तरफ एक परत बन जाती है, जिसकी वजह से इसको बर्न करना इतना आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको बर्न करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस लेयर को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, इस मैग्नीशियम को रब करके, रबिंग विथ, किससे रब करते भैया, सैंड पेपर के साथ। सैंड पेपर आपके मार्केट में मिलता है, सैंड पेपर को सरेख कागज़ बोलते हैं कोई लोग, और कोई लोग कुछ भी बोलते हैं, हार्ड होता है ऊपर से नीचे से इसे ब्लैक ब्लैक लगा होता है, इसे हम लोग इसको रब करके भैया इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद भैया इसका कंबशन इजी है। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। किसकी प्रोटेक्टिव लेयर भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसको हम रिमूव करते हैं कैसे, इसको सैंड पेपर से रब करके भैया। ठीक है, तो ये बात रही। कुछ और एग्जांपल इसके देखिए, सम मोर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहले देखिए डेली लाइफ से हम बेटा कुछ एग्जांपल्स को और उठाते हैं। सबसे पहले है, अक्सर आप देखते हैं अभी दूध और दही वाला मैं बता रहा था, सारिंग ऑफ मिल्क।
ये भी केमिकल रिएक्शन भी है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, व्हाट इज द डाइजेशन? डाइजेशन को एक लाइन में बोलिएगा तो क्या बोलेंगे आप? हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या हो जाएगा भैया? हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स क्या होता बेटा? वाटर होता है। लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। मैंने कहा एक लाइन में बताना है तो एक लाइन में ऐसे बता सकते हैं, डाइजेशन क्या है? फूड का हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। मतलब कि अब आप कहेंगे सर हमने पनीर खाया तो क्या उसका हाइड्रोलिसिस हुआ फूड का? यस, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड को डाइजेशन एक लाइन में बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिनको हमने खाया हुआ है उनको सिंपलर 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 मटेरियल में ब्रेक करना ही डाइजेशन होता है, ताकि वो हमारी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्व कर सके, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर सके। तो डाइजेशन क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा होता भैया रेस्पिरेशन ऑफ फूड। सॉरी, रेस्पिरेशन ऑफ फूड नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एक लाइन में बोलना चाहें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कैसे? जो हमारे बॉडी में बनता है फूड वो कौन सा फूड है? ज़्यादातर तो जो कुछ भी हम खाते हैं सब चेंज होता है। किस में चेंज होता है? जो कुछ भी हम खाते हैं सब चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। ये क्या चीज़ है बेटा? ग्लूकोज है। तो जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओगे, जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओगे तो किस में चेंज हो जाता है बाबू? ये CO2 में और H2O में, और साथ में क्या मिलती भैया? ढेर सारी एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड हो रहा है। भोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। भोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन क्या होता है? ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण। रेस्पिरेशन की हिंदी क्या है? श्वसन, भोजन का ऑक्सीकरण। डाइजेशन पाचन, भोजन का जल अपघटन। वेरी इजी, ठीक है। तो नोट डाउन करें। अन्य केमिकल इक्वेशन में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोर्थ नंबर पे। इसमें क्या होता भैया? जैसे ग्रीन प्लांट है, थोड़ा सा गुलाब टाइप बन गया है, बट आई थिंक यू नेवर माइंड। तो ये है, इसमें लीफ है, मान लीजिए प्लांट है। लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या बोलते हैं आप? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से क्या करते हैं? ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैस को लेते देते हैं। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। किस प्रोसेस करते हैं? ऑस्मोसिस से। और यहाँ से गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं? ये CO2 लेते हैं, O2 देते हैं, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स का जाइलम जो होता है वो स्टेम के जाइलम जुड़ा होता है, और ये लीफ के जाइलम से। तो वाटर और मिनरल को कौन ले जाता है? जाइलम। जाइलम कैरी करता है वाटर को एंड मिनरल को। तो CO2 मिला इसको लीफ से, वाटर मिला इसको रूट से। क्लोरोफिल की होती है बेटा प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। तो प्लांट्स क्या बनाते हैं भैया? ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। साथ में क्या देते हैं भैया? ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये लाइफ के लिए बड़ी एसेंशियल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस भी हमारे डेली लाइफ में लगातार होने वाली केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब भी ग्रेप्स का फर्मेंटेशन कराते हो ना तो एक चीज बनती है C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल। जितनी भी टाइप के अल्कोहल होती है, रम है, बियर है, हुस्की है, जितने भी टाइप के अल्कोहल होते हैं सब में कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, सब में होता है, ठीक है। बियर में 4-8% है, रम और हुस्की में 40-45% है, इसी तरह से, ठीक है। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी इसके एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है।
संक्षेप में बोलें तो हमारा पूरा लाइफ ही केमिकल रिएक्शन से भरा है। कहीं भी जाते हैं केमिकल रिएक्शन होता रहता है, कुछ ना कुछ नया बनता रहता है और कुछ ना कुछ टूटता रहता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये सीरीज चालू रहेगी, कंटिन्यू चालू रहेगी। इसको जितना हो सके उतना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि एकदम आप लोगों तक पॉजिटिविटी फैले, आप लोगों तक फैले नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए।